हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आप सभी का अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं पूजा सिंह आप सभी को हिस्ट्री सब्जेक्ट की तैयारी करवाती हूँ फॉर स्पेशल सब्जेक्ट ऑफ NTU-UGC नेट। NTU-UGC नेट के लिए जो हिस्ट्री सब्जेक्ट आता है आप लोगों का, जो सेकेंड पेपर है, उसी की तैयारी करवाती हूँ। तो आज का जो टॉपिक है दैट इज MBT, मोहम्मद बिन तुगलक, रूलर ऑफ तुगलक डायनेस्टी। उसी के बारे में आज हम पढ़े। वैसे तुगलक डायनेस्टी को मैंने एक्सप्लेन किया था बट इन शॉर्ट, लेकिन आज हम तुगलक में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिनसे क्वेश्चंस बनता है, मोहम्मद बिन तुगलक, उनके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। तो चलिए जानते हैं आज उनके बारे में। कौन कौन जानता है कि मोहम्मद बिन तुगलक थोड़ा सा पागल था? सबको ये बात पता ही होगा। तो चलिए आज उसी के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। उससे पहले छोटा सा इंट्रो देना चाहूंगी, ज्यादा टाइम आप लोग का वेस्ट नहीं करूंगी। अनअकैडमी का ये प्लेटफॉर्म है जो इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म बन गया है, एंड उसी पे आपको सिर्फ NTU-UGC नेट का ही नहीं, किसी भी एग्जाम्स की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको वो सारे टीचर्स अवेलेबल है, वो सारे सब्जेक्ट के टीचर अवेलेबल है जो अभी तक आप लोग ढूंढ रहे थे। एक बेस्ट टीचर UPSC से लेकर किसी भी एग्जाम तक, SSC तक, सारे टीचर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं और अपने सब्जेक्ट में बहुत ही मास्टर कमांड लिए हुए आपके लिए हाजिर हैं और आपके सारे डाउट्स क्लियर करते हैं, क्विजेस कराते हैं। इससे बड़ा प्लेटफॉर्म आपको और कहीं नहीं मिलेगा। तो आइए, अगर अभी तक फटाफट अनअकैडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लीजिए और अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए, जो है प्ले स्टोर पे जाइए और अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए, जहाँ पर आप लोगों को बहुत सारे टीचर्स की पूरी वीडियोस मिल जाएगी। और अगर आपको पूरा कोर्स लेना है तो दैट इज पेड, आप लोगों को उसका सब्सक्रिप्शन लेना होगा। और उसके लिए फी मैं बता देती हूँ अभी क्या क्या है। व्हाट यू विल गेट ऑन दिस प्लेटफॉर्म, अगर आपको इसका सब्सक्रिप्शन लेना है तो क्यों लेना है ये मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए, डेली लाइव क्लासेस तो आपको मिल ही रही है, बट ओवरऑल पूरे सिलेबस का जो है स्ट्रक्चर्ड कोर्स है, उसके लिए आपको पेड होता है, वो आपको लेना पड़ेगा सब्सक्रिप्शन उसका, तब जाके आपको पूरी वीडियोस मिल जाएंगी। यू कैन चैट विद योर एडुकेटर्स, इंगेज इन डिस्कशन, आस्क योर डाउट्स एंड आंसर पोल्स। आप टीचर से लाइव ही क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर करा सकते हैं। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज होते हैं, ऑल आवर कोर्सेज आर स्ट्रक्चर्ड इन लाइन विद योर एग्जाम सिलेबस वाइज टू हेल्प यू द बेस्ट प्रिपेयर फॉर इट। तो आपका जो सिलेबस है उसको लाइन वाइज हमने जो कोर्स सेटअप किया है, स्ट्रक्चर कोर्स को तो बनाया है आप लोगों के लिए। लाइव टेस्ट क्विजेज होते हैं, जहाँ पर अपने आप को आप एनालिसिस कर सकते हैं, जब आप क्विजेज हम कराते हैं और आप लोग अच्छे आंसर, तुरंत सही आंसर देते हैं तो आपको ही नहीं हमें भी खुशी मिलती है। दूसरा, अनलिमिटेड एक्सेस। अगर मान लीजिए आपने एक सब्सक्रिप्शन ले लिया है तो आप रिकॉर्डेड कोर्सेज कभी भी कहीं भी अपने कंफर्ट के हिसाब से किसी भी डिवाइस में देख सकते हैं। तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ अनअकैडमी, और बहुत सारे और बेनिफिट्स हैं। तो फटाफट अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए और टीचर से जुड़ जाइए, ठीक है। दूसरा है इसके सब्सक्रिप्शन के बारे में। देखिए, EMI अवेलेबल है, ऐसा नहीं कि आपसे इकट्ठे फीस ले ली जाएगी। EMI अवेलेबल है, 3 मंथ का है, तो ये 3 मंथ का, 1 मंथ का आपको EMI नहीं है क्योंकि 1890 फीस ही है, तो उसमें EMI क्या करना। 3 मंथ का है जो 1575 रुपये बस है, फीस है 4725। 6 मंथ का 1400 रुपये है, फीस 8000 है। और अगर अभी आपने जस्ट एग्जाम की तैयारी शुरू करी है तो जो मेरी राय है, जो मैं आपको राय देना चाहूंगी, वही कि आप 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए जो 10000 फीस है। देखिए, आप 6 मंथ में और 12 मंथ में 2000 से ज़्यादा फर्क नहीं है, और आपको EMI भी बहुत कम पे करना पड़ रहा है, 866 रुपये बस। और अगर 2 साल की लेनी है, अभी आपने PG जस्ट शुरू किया है, उसी के साथ साथ आपको ये तैयारी भी करनी है, तो 2 साल की ले सकते हैं और 630 रुपये मात्र जो है फीस है, जो कोचिंग फीस के बराबर, जो छोटे मोटे इसको क्लास के 12th के भी फीस ले लेते हैं 600 रुपये मंथली। तो ये तो NTU-UGC नेट है, तो उसके लिए तो आप इतना कर ही सकते हैं। PS007 अगर ये आप रेफरल कोड मेरा यूज करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर द इंट्रो, और अब बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। दैट इज तुगलक डायनेस्टी, दिस इज अबाउट मी, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बट चलिए। आई एम नॉट नेट क्वालिफाइड, आई हैव 6 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस, आई एम पोस्ट ग्रेजुएट इन हिस्ट्री एंड बैचलर ऑफ एजुकेशन, BEd भी कर रखा है। तो नेट मैं 2014 में ही क्लियर करी थी, तो उसमें मेरिट सबसे हाई गई थी। नेक्स्ट है हमारा, ये है आपके कौन, MBT, मोहम्मद बिन तुगलक। अब इनके बारे में थोड़ा सा आपको पहले समझा देती हूँ।
फिर इनका कंटेंट चलते हैं एक तरफ। देखिए, तुगलक वंश के दूसरे रूलर थे, तुगलक डायनेस्टी या तुगलक वंश। तुगलक वंश का इनके पिताजी फाउंडर थे गियासुद्दीन तुगलक, जो उनकी मृत्यु के बाद उनका बेटा गद्दी पर बैठता है मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे वाइजेस्ट फुलिश सुल्तान भी बोला जाता है, सनकी पागल सुल्तान कहा जाता है। तो इनका जन्म हुआ था, मोहम्मद बिन तुगलक वॉज द सुल्तान ऑफ दिल्ली फ्रॉम 1325 से 1351 तक राजा रहा। ही वॉज द एल्डेस्ट सन ऑफ गियासुद्दीन तुगलक, जो कि फाउंडर थे तुगलक वंश के। गियासुद्दीन तुगलक तुगलक वंश के संस्थापक थे, और इन्हीं का बेटा मोहम्मद बिन तुगलक जो उसके बाद गद्दी पर बैठता है, उसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। और इनकी माता जो थी वो हिंदू थी। वाइफ वॉज द डॉटर ऑफ राजा दीपलपुर, तो दीपालपुर। तो उनकी जो माँ पिता थे वो मुस्लिम थे, गियासुद्दीन तुगलक, और माता इनकी हिंदू थी। बॉर्न 1290 में इनका जन्म हुआ था। तो देखिए, 1290 से 1325, मतलब ये जब 35 साल के रहे होंगे तब इनको गद्दी मिली थी। मुल्तान पाकिस्तान में पैदा हुए थे। डाइड 20 मार्च 1351 सिंध पाकिस्तान में। पेरेंट्स थे गियासुद्दीन तुगलक। प्लेस ऑफ ब्यूरियल तुगलकाबाद फोर्ट में दिल्ली में। फैमिली तुगलक डायनेस्टी, एंड इसके सक्सेसर जो जिसके ये सक्सेसर बने वो थे गियासुद्दीन तुगलक। इतना इनके बारे में ये था। अब देखिए, जो तुगलक वंश है वो किसके बाद आया। और तो ये चीजें मैं बहुत पहले भी बता चुकी हूँ कि तुगलक वंश से पहले खिलजी वंश रूल कर रहा था। तो दिल्ली सल्तनत पर, जो दिल्ली सुल्तनत है उस पर मैंने बताया कि 5 डायनेस्टीज ने रूल किया है। पहला स्लेव डायनेस्टी या गुलाम वंश, दूसरा खिलजी डायनेस्टी या खिलजी वंश, और तीसरा जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं, तुगलक वंश या तुगलक डायनेस्टी या तुगलक वंश। तो तुगलक वंश के बाद आता है आपका नेक्स्ट सैयद वंश। सैयद वंश के बाद आता है लोदी वंश। लोदियों के बाद, यही 5 डायनेस्टीज ने दिल्ली सल्तनत पर रूल किया है 1206 से 1526 तक। उसके बाद इन लोदियों का अंत करके 1526 से मुगल वंश की स्थापना हो जाती है। बाबर ने इसकी स्थापना करी। तो ये जो लास्ट में आप देख रहे हैं नाम, नैसरुद्दीन महमूद शाह तुगलक, इसी के समय पर तैमूर का आक्रमण हुआ था। तैमूर का आक्रमण हुआ था, जिसका जो है सेनापति था या इसका कमांडर इन चीफ था सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खान। तो जब इसने तुगलक वंश की समाप्ति करी तो उसी के साथ साथ उसने खिज्र खान को ये देकर वापस चला गया, और खिज्र खान ने एक नए वंश की स्थापना करी, सैयद वंश। तो ये देखिए, तुगलक डायनेस्टी है जिसमें 1320 से 1414 तक इन्होंने रूल किया है। तो फाउंडर जो संस्थापक थे वो गियासुद्दीन तुगलक हैं, 1320 से 1325 तक रूल किया। मोहम्मद बिन तुगलक, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे, वह मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 तक रूल किया। फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1389 तक रूल किया। और नैसरुद्दीन महमूद शाह 1389 से 1414 तक। और तैमूर के आक्रमण के साथ साथ इस वंश की समाप्ति हो जाती है और नए वंश की स्थापना होती है, दैट इज सैयद वंश। तो ये सारी चीजें वैसे मैं बता चुकी हूँ पहले भी, बट क्योंकि तुगलक वंश पढ़ा रहे हैं इसलिए थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रही हूँ आपको, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा क्या, मोहम्मद बिन तुगलक ये आए कहाँ से, गए कहाँ पे, इनका सबसे बड़ा गलतियां क्या हुई, इनको किसकी वजह से पागल बोला जाता है, पढ़ा लिखा मूर्ख। एक्चुअली इसको पर्शियन, अरेबिक, टर्किश, संस्कृत सब आता था, तो फिर भी इसको वाइजेस्ट पढ़ा लिखा मूर्ख सुल्तान क्यों कहा जाता है वो बताएंगे, क्यों कहा जाता है, इसकी लाइफ क्या थी, इसने किस पे किस पे आक्रमण किया, इसी के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। तो मोहम्मद बिन तुगलक, जिसका नाम एक फक्र मलिक जौना खां, ये एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, उलूग खान जो डाइड है 51 में, मर जाता है 20 मार्च 1351 को, वॉज द सुल्तान ऑफ दिल्ली फ्रॉम 1325 से 1351 तक रूल किया। ही वॉज द एल्डेस्ट सन, सबसे बड़ा बेटा था किसका, गियासुद्दीन तुगलक का, द फाउंडर ऑफ द तुगलक डायनेस्टी, जो कि गियासुद्दीन तुगलक ही, इनके पिता ही
तुगलक वंश के संस्थापक थे, एंड हिज वाइफ वॉज द डॉटर ऑफ राजा ऑफ दीपालपुर, तो मतलब हिंदू रानी थी, वो हिंदू प्रिंसेस थी, और इनकी माँ जो थी हिंदू थी। गियासुद्दीन सेंट द यंग मोहम्मद टू द डेक्कन, तो गियासुद्दीन जब राजा था, इसका पिता जब राजा था, तो इसने मोहम्मद बिन तुगलक को डेक्कन को जीतने के लिए भेजा था, किसके अगेंस्ट, प्रताप रुद्र जो कि काकती, मैंने बताया था वारंगल के काकती के बारे में पढ़ाया था जब बहमनी साम्राज्य पढ़ रहे थे, तो उसमें वारंगल के काकती का हमने बात किया था, उन्हीं काकती डायनेस्टीज के जो प्रताप रुद्र रूल कर रहे थे, तो उसके खिलाफ आक्रमण करने के लिए उन्हें उसने अपने बेटे को बहुत यंग एज में अपने बेटे को डेक्कन तक्ष भेजा था, जिनकी राजधानी थी वारंगल। कब भेजा था, 1321 में, एंड 1323 मोहम्मद हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज एन इनह्यूमन एसेंट्रिक, मतलब इनह्यूमन मतलब होता है इसके अंदर ह्यूमैनिटी ना हो, पागल थोड़ा जो है इस तरह से, ह्यूमैनिटी ना होना, क्रूर कह सकते हैं आप, विथ वीजा, विजारे नहीं, मतलब इसका जो प्रोनाउंसिएशन है दैट इज वीजा करेक्टर, मतलब बहुत ही पागलपंथी वाला करेक्टर, बाय द अकाउंट्स ऑफ द विजिटर ड्यूरिंग हिज रूल, जो वो बताते हैं जो इसके समय पर विजिट किए भारत को, वो ऐसा कहते हैं कि ये बहुत ही क्रूर मतलब था, इनह्यूमन था। और इसके बाद इब्न बतूता आता है, उसने भी इसके बारे में इतिहास लिखा है। ही इज ऑल्सो नोन एज नोन फॉर वाइल्ड पॉलिसी स्विंग्स, मोहम्मद जो इसकी पॉलिसीज थी सारी फेल हो जाती थी, इसलिए इसको पागल कहते थे। जैसे इसने चांदी की जगह पीतल के सिक्के चलाए जिसकी डुप्लीकेट कॉपीज बन जाती थी, इसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट किया मंगोल आक्रमणों की वजह से, बहुत सारे मंगोल, कहा उसने ये बताया था कि जो दौलताबाद है इट इज द सेंटर ऑफ हिज एम्पायर, जबकि दौलताबाद कहाँ था, साउथ में, तो सेंटर वो कैसे हो सकता है। दूसरा इसने कहा था, रीजन दिया था कि ड्यू टू मंगोल इन्वेजन, मंगोल आक्रमण की वजह से मैं अपनी राजधानी शिफ्ट कर रहा हूँ दिल्ली से दौलताबाद, इसकी सबसे बड़ी बेवकूफी थी। तो मोहम्मद एक्सटेंडेड टू द दिल्ली थ्रोन अपॉन हिज फादर आफ्टर डेथ, उसके में पिता की डेथ के बाद इसको गद्दी मिली। ही वॉज इंटरेस्टेड इन मेडिसिन एंड वॉज स्किल्ड इन सेवरल लैंग्वेज, पर्सियन, अरेबिक, टर्किश और संस्कृत में महारत था ये। इब्न बतूता, इसका पूछता है अक्सर किसके शासनकाल में आया था, द फेमस ट्रेवलर एंड जूरिस्ट फ्रॉम मोरक्को, कहाँ से आया था ये, मोरक्को से आया था इब्न बतूता, जिसने एक फेमस बुक लिखी है रेहला, तो वॉज अ गेस्ट एट हिज कोर्ट एंड रोट अबाउट हिज सर्जनिटी इन हिज बुक, बुक का नाम रेहला, अर्ली लाइफ, इसकी पहले की लाइफ। मोहम्मद बिन तुगलक वॉज बॉर्न टू गियासुद्दीन तुगलक, हु वॉज इन टर्न द सन ऑफ द टर्किश स्लेव फादर ऑफ ए हिंदू इंडियन मदर, एंड वॉज द फाउंडर ऑफ द तुगलक डायनेस्टी। आफ्टर टेकिंग कंट्रोल ऑफ द दिल्ली सल्तनत हिज मदर वॉज नोन बाई द टाइटल मुकदमा ए जहां, हु वॉज नोन फॉर बींग फिलेंथ्रोपिस्ट हैविंग फाउंडर मैनी हॉस्पिटल्स, मैनी हॉस्पिटल्स की फाउंडिंग की थी इन्होंने। एक्सटेंडिंग द थ्रोन्स आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर गियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक एक्सटेंडेड द थ्रोन ऑफ तुगलक डायनेस्टी इन फेब्रवरी 1325 को। इन हिज रेन ही कंकरेड वारंगल इन प्रेजेंट डे तेलंगाना, जो वारंगल है प्रेजेंट टाइम पर इस समय कहाँ पर है, तेलंगाना में है इन इंडिया, मालाबार मदुरई तमिलनाडु में है, एंड एरिया अप टू द मॉडर्न डे साउदर्न ट्रिप टिप ऑफ द इंडियन स्टेट ऑफ द कर्नाटका। तो साउथ की तरफ पहली बार कौन रुक किया था, अलाउद्दीन खिलजी, बाद में धीरे धीरे इन लोग भी देख रहे हो साउथ की तरफ ही आक्रमण करते चल रहे हैं, क्योंकि नॉर्थ तो ऐसे भी इनके कब्जे में था। अब इसकी सबसे बड़ी जो बेवकूफी थी मोहम्मद बिन तुगलक की, वो क्या थी, इसने कैपिटल शिफ्ट कर दी थी दिल्ली टू दौलताबाद इन इन 1327, तुगलक ऑर्डर टू मूव हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद इन प्रेजेंट डे महाराष्ट्र में है। इसने दिल्ली से अपनी जो कैपिटल शिफ्ट कर दी दौलताबाद, यही सबसे इसकी बेवकूफी थी। इसने कहा कि इट दौलताबाद वॉज द सेंटर ऑफ हिज एम्पायर, दूसरा कहा ड्यू टू मंगोल्स इन्वेजन, क्योंकि आपको बताया था मंगोल आक्रमण बार बार होते रहे हैं जो है दिल्ली सल्तनत पर, और मंगोलों के आक्रमण की वजह से ही बहुत सारे इनको उसके दुर दुर एक मिनट दुष्प्रभाव झेलने पड़े।
तो ये रीजन इसने बताया था कि हम इसलिए शिफ्ट कर रहे हैं। डेक्कन रीजन ऑफ द इंडिया, मोहम्मद बिन तुगलक हिमसेल्फ हैड स्पेंट अ नंबर ऑफ इयर्स एज अ प्रिंस ऑन कैंपेनिंग इन द साउदर्न स्टेट्स ड्यूरिंग द रेन ऑफ हिज फादर। अपने पिता के समय पर जब ये प्रिंस था उसी समय पर ये डेक्कन पर कई बार कैंपेनिंग किया, कई बार आक्रमण किया। दौलताबाद ऑल्सो सिचुएटेड एट अ सेंट्रल प्लेस, सो द एडमिनिस्ट्रेशन एंड बोथ द नॉर्थ एंड द साउथ कुड बी पॉसिबल। इसने कहा दिस इज द सेंट्रल प्लेस, तो इससे क्या होगा, साउथ और नॉर्थ दोनों क्या होगा, इसको एडमिनिस्ट्रेशन को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए, तो ऑल फैसिलिटीज वर प्रोवाइडेड फॉर दोज हु वर रिक्वायर्ड टू माइग्रेट टू दौलताबाद। तो इसने कहा ऑल फैसिलिटीज वर प्रोवाइडेड टू दोज जो रिक्वायर्ड, जो माइग्रेट कर रहे, माइग्रेट मतलब एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट होना। दौलताबाद, इट इज बिलीव दैट द जनरल पब्लिक ऑफ दिल्ली वॉज नॉट इन फेवर ऑफ शिफ्टिंग द बेस ऑफ द दौलताबाद। तो जो इसने कहा कि वो सारी जो फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे जो दौलताबाद जाके शिफ्ट हो सकते हैं अपनी जनता को, तो जनता जो दिल्ली की जनता थी वो इसके फेवर में ही नहीं थी। और इसको ये भी कहा जाता है, दिस इज द स्टोरी, कि लोग इसको चिट्ठी लिख के भेजते थे, इसके दरबार में जनता इसको चिट्ठी लिख के फेंकती थी, ये तो पागल हो गया, ये पागल है, गालियां लिख के भेजती थी, जिससे फ्रस्ट्रेट होके इसने अपनी जो कैपिटल बदल दी थी। तो लेकिन इसने रीजन कुछ और बताया। अबोड रोड वॉज कंस्ट्रक्टेड फॉर कन्वीनियंस। देखिए, अच्छा एक चीज और बताना भूल गया, दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू, कि पहली बार कैनल बनाने की शुरुआत की थी गियासुद्दीन तुगलक ने। कैनल मतलब नहर, और उसको कंप्लीट करो, कंप्लीट नहीं करवाया था, उसके पहले ही उसकी डेथ हो गई थी, और उसने फिरोज शाह तुगलक ने उसको कंप्लीट करवाया, दिल्ली सल्तनत। तो ये चीज और याद रखिए। दूसरा, किलोखरी सिटी बसाने वाला कौन है, गियासुद्दीन तुगलक, और किलोखरी फोर्ट भी गियासुद्दीन तुगलक ने। ये चीजें याद रखिएगा, ये बताना भूल गई थी। ठीक है, तो शेडी ट्रीज वर प्लांटेड ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द रोड। जैसे शेडी ट्री प्लांटेड, जैसे आज भी क्या होता है, रोड के किनारे किनारे पेड़ लगाए जाते हैं, जिसने भी किया। ही सेट अप हाल्टिंग स्टेशंस एट द इंटरवल ऑफ द 2 माइल्स, प्रोविजंस फॉर फूड एंड वाटर, फूड एंड वाटर प्रोवाइड करने के लिए उसने जो है माइल्स 2-2 किलोमीटर की दूरी पर बनाए, एंड मेड अवेलेबल एट द स्टेशंस, और स्टेशंस पे भी अवेलेबल हो सके। तुगलक स्टैब्लिश्ड अ कानका टू ईच ऑफ द स्टेशंस वेयर एटलीस्ट वन सूफी संत वॉज स्टेशन, रेगुलर रेगुलर पोस्टल सर्विस वॉज स्टैब्लिश बिटवीन दिल्ली एंड दौलताबाद। तो दिल्ली से दौलताबाद जाने में कोई तकलीफ ना हो किसी को, इसलिए वहां पर फूड वूड पूरा अवेलेबल करवाता था। इन 1329 हिज मदर ऑल्सो वेंट टू दौलताबाद, इसकी माता भी चली गई दौलताबाद, अकम्पेन्ड बाई द नॉवेल्स। बाई अराउंड द सेम ईयर तुगलक समाउंड ऑल द स्लेव्स नॉवेल सर्वेंट सुलेमा सूफी टू द न्यू कैपिटल। बहुत सारे लोगों को ये क्या सेम ईयर भेज दिया, कहाँ पर, तुगलकाबाद। द न्यू कैपिटल वॉज डिवाइडेड इन टू वर्ड्स कॉल्ड मोहल्ला। उसको जो न्यू कैपिटल दौलताबाद थी उसको इसने डिवाइड कर दिया, जिसको मोहल्ला कहा गया, विथ सेपरेट क्वार्टर्स फॉर डिफरेंट पीपल लाइक सोल्जर्स, सोल्जर्स के लिए, पोएट्स के लिए, जजेस के लिए, नॉवेल्स के लिए, ग्रांट्स के लिए, वर ऑल्सो गिवेन बाई तुगलक टू द इमिग्रेंट्स। इवन दो द सिटीजन्स माइग्रेटेड, दे शोड डिसेंट इन द प्रोसेस, मैनी डाइड ऑन द रोड ड्यू टू द हंगर एंड एग्जॉशन। देखिए, दिल्ली से इसने बोला क्योंकि अब कैपिटल क्या हो गई है इनकी, दौलताबाद। तो दिल्ली से कई लोग दौलताबाद जाने में, पैदल जाने में, उनकी रास्ते में भूख से और जो है एग्जॉशन से मृत्यु हो गई। तो मोर एवर कॉइन्स मिंटेड द दौलताबाद अराउंड 1333 शोर द दौलताबाद वॉज द सेकेंड कैपिटल, क्योंकि जो है जो कॉइन्स मिंटेड है दौलताबाद में 1333 में, इससे पता चलता है कि यही इसकी सेकेंड कैपिटल रही होगी। और दूसरी मूर्खता भरी, एक तो ये मूर्खता भरी कि आप दिल्ली में पूरा का पूरा अच्छे से सेटअप, पूरा आपकी कैपिटल सेटअप, आपकी राज्य सेटअप, आपकी जनता सेटअप, उसको छोड़ के आप दौलताबाद शिफ्ट हो रहे हो, अपना कैपिटल दौलताबाद शिफ्ट कर रहे हो, लोगों को भी मजबूर कर रहे हो कि दे शुड माइग्रेट टू दौलताबाद, और उसी बीच में कितने लोग हंगर से मारे गए, और इनसे इसके पागलपन से लोग परेशान हो गए थे, इसको पागल बुलाने लगे, इसको पढ़ा लिखा मूर्ख बुलाने लगे। तो यही सब रीजन था जिसकी वजह से ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया, जो कार्यकर्ता था वो फेल हो जाता था। दूसरा, इन 1334 देयर वाज अ रिवेलियन ऑफ द मावर, व्हाइल ऑन हिज वे टू सप्रेस द रिवेलियन देयर वाज एन आउटब्रेक ऑफ ब्यूबोनिक प्लेग
एट बी दर ड्यू टू विच तुगलक हिमसेल्फ बिकम इल, उसकी वजह से तुगलक खुद बीमार पड़ गया। तो एंड मैनी ऑफ हिज सोल्जर्स डाइड, बहुत सारे इसके सोल्जर्स भी मर गए उसमें ही। वाइल ही रिट्रीटेड बैक टू दौलताबाद, माबर एंड द द्वार समुद्र ब्रोक अवे फ्रॉम तुगलक कंट्रोल्स। द्वार समुद्र और मावर इससे इसी इसी की वजह से इनके जो है कंट्रोल से वो बाहर हो गए। जो द्वार समुद्र भी था मावर, ये दोनों कहाँ के पार्ट है? साउथ के पार्ट है। तो देखेंगे कि बीमारी फैली, प्लेग फैली बीदर में, जिसकी वजह से तुगलक भी बीमार पड़ा और उसके सैनिक भी मारे गए। तो इस चीज का फायदा उठाया मावर और द्वार समुद्र ने, जो इससे तुगलक कंट्रोल से बाहर हो गए, स्वतंत्र हो गए, खुद को स्वतंत्र कर लिए। दिस वॉज फॉलोड बाई अ रिवॉल्ट ऑफ बंगाल, रिवॉल्ट इन बंगाल, फियरिंग दैट द सल्तनत नॉर्दर्न बॉर्डर्स वर एक्सपोज टू अटैक। इन 1335 ही डिसाइडेड टू शिफ्ट द कैपिटल बैक टू दिल्ली। इस सब सिचुएशंस के हिसाब से इसने फिर से डिसाइड किया कि 1335 में मुझे अपनी कैपिटल कहाँ शिफ्ट कर देनी चाहिए, फिर से दिल्ली। सोचिए कितना बड़ा मूर्ख था ये। तो एक्चुअली पढ़ा लिखा तो बहुत था। अक्सर ये भी होता है, जितने पढ़े लिखे होते हैं वो ज्यादा दिमाग चलाते हैं। तो ज्यादा दिमाग चलाते हैं तो कभी कभी ज्यादा दिमाग चलाना भी घातक साबित होता है, और यही इसके लिए भी साबित हुआ कि ज्यादा इसने दिमाग लगा लिया तो इसके लिए भी ये सारी इसकी घातक साबित हुई। एक्चुअली कुदरत भी, इसके हिस्टोरियंस का मानना है कि जो ये कार्य करता था उसके खिलाफ जनता ही नहीं, कुदरत भी चली जाती थी। जैसे इसने लैंड टैक्स जब बढ़ाए तो उसमें बारिश हो गई, तो बारिश होने की वजह से इसको जो मिलते थे वो भी नहीं मिला। तो बहुत सारी चीजें हुई। तो अलाउ द सिटीजन्स टू रिटर्न देयर प्रीवियस सिटी। अब इसने क्या कहा भाई सिटीजन्स को? अब कह रहा है आप दौलताबाद आए हो, अब यहां से आप दिल्ली चलो। कितनी मूर्खता बड़ी बात थी। ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ द चेंज ऑफ कैपिटल। अब इसके कैपिटल चेंज करने से इम्पैक्ट क्या क्या पड़ा? वाइल मोस्ट ऑफ द मिडिवल हिस्टोरियंस इंक्लूडिंग बर्नी, इब्न बतूता, टेंड टू हैव इम्प्लेड द दिल्ली वाज एंटायरली इम्पटाइड एज द फेमसली मेंशनड बाय द बर्नी दैट नॉट अ डॉग और कैट वाज लेफ्ट। तो इट वाज जनरली बिलीव दैट दिस इज जस्ट एन एग्जर्सेशन, मतलब ये कुछ नहीं था, ये पागलपन था। यहाँ से आना जाना सिर्फ एक दिमाग को खपाना था, खर्च करना था। और इसके बाद जो है बर्नी ने और इब्न बतूता ने कहा कि जो है ये जो कैपिटल चेंजेस का इसका फैसला था वो सही नहीं था, ये सारे हिस्टोरियंस ने माना है। इट इज जनरली बिलीव दैट दिस इज जस्ट सच कहाँ पर थे? हाँ, दिल्ली सफर टू डाउनफॉल इट इज स्टेटस एंड ट्रेड। तो क्योंकि भाई ये चले गए दौलताबाद, तो दिल्ली ने सफर किया, दिल्ली में कोई रूलर नहीं है, तो जो है दिल्ली दूर पड़ गई, तो दिल्ली ने सफर किया। तो डाउनफॉल इन इट्स स्टेचर, जो स्टेट, जो इसके स्टेचर्स था, जो इसकी ट्रेड थी, वो डाउनफॉल हुई। तो दौलताबाद से तो गए ही बिकॉज ऑफ प्लेग, और यहाँ पर भी जो इनका ट्रेड था वो डाउनफॉल हो गया। तो बिसाइड्स इट इज बिलीव दैट ओनली द पावरफुल एंड नोबिलिटी सफर्ड हार्डशिप इफ एनी। टू संस्कृत इंस्क्रिप्शन डेटेड 1327 से 1328 कन्फर्म दिस व्यू। जो दो संस्कृत इंस्क्रिप्शन है जो 27 और 28 के हैं, 1327 28 के, वो कन्फर्म करते हैं दिस इज ट्रू व्यू। दिस एस्टैब्लिश एंड द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द हिंदू एंड दिल्ली एंड इट्स विंसिटी एट दैट टाइम। तो ये दोनों जो है इंस्क्रिप्शन इस चीज को जो है साबित करते हैं। ऑल्दो दिस डिसीजन वॉज अनपॉपुलर एमंग द मुस्लिम एंड वन इम्पैक्ट ऑफ दिस डिसीजन वॉज दैट इस्लामिक रूल ऑफ टेक एंड लास्टेड कंट्रीज लॉन्गर देन द डेली डेलीज ओन अनस्टेबल अथॉरिटी। तो इससे इस्लामिक रूल भी जो है डेकन वो गड़बड़ाया, उसके बाद दिल्ली में जो लोग थे अनस्टेबल हो गए अथॉरिटी ओवर द साउथ। इन नॉट द तुगलक्स क्रिएशन ऑफ द मुस्लिम एलाइड द दौलताबाद, देयर वुड हैव बीन नो स्टेबल मुस्लिम पावर लाइक बहमनी एम्पायर टू चेक द राइजिंग पावर ऑफ द हिंदू विजयनगर साम्राज्य। तो यही मैंने बताया था, जब लोगों को लगा ये तुगलक पागल हो चुका है, तो साउथ में दो बहुत बड़े साम्राज्य की स्थापना हुई, पहली बहमनी साम्राज्य और दूसरा विजयनगर साम्राज्य, जो तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही इस्टैब्लिश हुई। तो साउथ में तो इनका बस चला नहीं, क्योंकि मुस्लिम एक हसन गंगू मुस्लिम था जिसने बहमनी साम्राज्य की स्थापना करी
तुगलक के ही समय, और विजयनगर साम्राज्य, जिसने दक्षिण अभियान में विजयनगर के दो भाई हरियर और बुक्का को पकड़ कर ले आया था, जेल में डाल दिया था और इनको जबरदस्ती इस्लाम स्वीकार करने के लिए फोर्स किया। तो इन लोगों ने इस्लाम स्वीकार तो कर लिया हरियर और बुक्का ने, लेकिन जब ये साउथ वापस गए तो वहां पर इन्होंने अपने गुरु से मिलके फिर से शुद्धिकरण कराई, और विद्यारण्य से, विद्यारण्य इनके गुरु थे, उनसे शुद्धिकरण कराई और एक नए साम्राज्य की स्थापना कर दी, दैट इज विजयनगर साम्राज्य। तो देखिए, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य किसके शासनकाल में स्थापित हुआ? तो मोहम्मद बिन तुगलक के। फेल्ड एक्सपीडिशन, इसका जो फेल हुआ एक्सपीडिशन वो क्यों हुआ? आफ्टर द डेथ ऑफ गेंगिस खान, जो चंगेज खान, जो मंगोलों का सबसे पहले भारत आया था, वो था गेंगिस खान, चंगेज खान, इल्तुतमिश के समय तक। ऑनलाइन वन लाइन ऑफ हिज डिसेंडेंट्स द खनाते, ये इसका नाम है चंगताई खगारते, अजीब सा नाम है, खनाते, जैसे गेंगिस खान वैसे चंगताई खनाते, रूल्ड ओवर टर्किस्तान एंड द ट्रांसोनिया एज द अनदर ब्रांच ऑफ हुगलुगु खान कंकरेड प्रेजेंट डे ईरान एंड इराक। हाउएवर एट द टाइम ऑफ तुगलक, तुगलक के समय ही जो मंगोल के आक्रमण होते रहे, वो होते रहे, इन्होंने आक्रमण किया, ये जो है चगताई, अजीब सा नाम है, चगताई, होंगेताई, मोंगेताई, ऐसे नाम थे इनके। तो बोथ ऑफ द डायनेस्टीज वर वन ऑफ द डाउनफॉल विथ कंडीशन ऑफ ट्रांजिनियन अनस्टेबल आफ्टर द डेथ ऑफ ट्रामसरीन। तो दोनों डाउनफॉल डाउनफॉल हो रहा था, उधर मंगोलों का, इधर इनका। ही वॉज एम्बिशियस एंड एनेक्सिंग दीज किंगडम्स, ही इन्वेंटेड नॉवेल्स एंड लीडर्स। तो चंगेज खान के बारे में हो गया, चलिए ये तो छोड़िए। इन 1333 मोहम्मद बिन तुगलक लेड द कराची एक्सपीडिशन ऑफ द कुल्लू करंग कंगरा रेन ऑफ द मॉडर्न डे हिमाचल प्रदेश इन इंडिया। हिस्टोरियंस लाइक बदौनी एंड फरिश्ता रोड द तुगलक ओरिजिनली वांटेड टू क्रॉस हिमालयास। इन्होंने कहा, बदुनी बदाविनी और फरिश्ता ने कहा कि तुगलक हिमालय को भी क्रॉस करना चाहता था और चाइना को विजिट करना चाहता है। हाउएवर ही फेस्ड लोकल रेजिस्टेंस ऑफ हिमाचल, इसको फेस करना पड़ा हिमाचल रेजिडेंस, जो रेजिस्टेंस था हिमाचल के लोगों का। पृथ्वी चंद द्वितीय ऑफ द हिंदू हिंदू कैटॉक किंगडम ऑफ द कंगरा डिफीटेड द आर्मी ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक विच वॉज नॉट एबल टू फाइट इन द हिल्स, जो कि हिल्स में पहली बार अटैक करने गए थे, तो हिल्स में फाइट करने की उनके अंदर क्षमता नहीं थी। आप अगर कभी समतल जगह रह रहे हो, अचानक से आपको बर्फ में भेज दिया जाए कि वहां जाके लड़ो, तो आप कैपेबल नहीं होंगे। नियरली ऑल हिज 10,000 सोल्जर प्रिजेंट एंड वर फोर्स्ड रिट्रीट। तो इसकी सेना वहां पर पकड़ी गई, बंदी बना ली गई, 10,000 सेना, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ इसका। तो देख सकते हैं इसकी पागलपंथी और ये सारा चल रहा था। डेथ एंड इंश्योरिंग कोलैप्स ऑफ द एम्पायर, इसकी डेथ हो गई। डेथ के बाद जो है विजयनगर एम्पायर, और जो हरियर और बुक्का के बारे में भी बताया वो यही है, राणा हम्बीर देव के बारे में, और विजयनगर साम्राज्य इस्टेब्लिश हुआ। उसके बाद इसकी डेथ हो गई, और डेथ के बाद इसका बेटा गद्दी पर बैठता है, जिसमें तैमूरों का आक्रमण हुआ है, उसकी वजह से ये बच नहीं पाए और इस एम्पायर का अंत हो गया। टोकन करेंसी, इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। इसने करेंसी का जो है, पहले लोग चांदी सोने की करेंसी चलाते थे, इसने जो है कॉपर की करेंसी चला दी, जिसकी वजह से डुप्लीकेट मार्केट में बहुत सारे डुप्लीकेट कॉइन्स बनने लगे, जिसकी वजह से इसकी इकोनॉमी डाउन चली गई, और ये भी इसकी सबसे बड़ी पागलपंथी कहलाई। चलिए, बाकी ये कुछ क्विजेस हैं, क्विजेस कर लेते हैं और फिर उसके बाद आज के सेशन को यहीं स्टॉप करते हैं, ठीक है? तो ये था मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, और अगर कोई कंफ्यूजन हो, अच्छा, इसके नाम पर इसके भाई फिरोज शाह तुगलक नहीं, जौनपुर सिटी बसाई है, तो जौनपुर सिटी है वो इसी के नाम पर, क्योंकि इसका नाम क्या था, जौना खां, तो इसी के नाम पर इसके भाई जो फिरोज शाह तुगलक है, जो भी नेक्स्ट राजा बनेगा, उसने जौनपुर सिटी बसाई, जो यूपी में है, जौनपुर शहर इसी के नाम पर बसाया था, ठीक है? चलिए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत डाइड इन 1325 फ्रॉम द कोलैप्स ऑफ वुडन पेविलियन, जैसे 1325
इसके बारे में स्टोरी नहीं बताई थी आप लोगों को, बट ये तुगलक डायनेस्टी जब पढ़ाया था तब बताया था। तो एक लकड़ी की जो है महल था, उस महल को कोलैप्स गिरने की वजह से किस सुल्तान की डेथ हुई थी? आपके पास 10 सेकेंड है। विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत डाइड इन 1325 फ्रॉम द कोलैप्स ऑफ वुडन पेवलियन। बहुत इजी है, 25 से पहले कौन मरा, ये अगर पता होगा तो आप लोग आंसर कर लोगे। तो अगर किसी ने गियासुद्दीन तुगलक आंसर दे दिया है तो गुड, तो गियासुद्दीन तुगलक ही था। ऐसा ये कहा जाता है, ये जो है इसके बारे में जो कोलैप्स हुआ, जो ये वो किसने करवाया था, एमबीटी ने ही करवाया था अपने बाप को। इसने मरवाने के चक्कर में एक वुडन का महल बना रखा था, और जब इसके पिता आए और वो उनके ऊपर गिर गया और उनकी डेथ हो गई, ये मोहम्मद बिन तुगलक ने ही करवाया था, ऐसा लोगों का मानना है। व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक? मोहम्मद बिन तुगलक का रियल नेम क्या था? मीर इमराद, जौना खान, गियासुद्दीन बहादुर, बरहन ऐब कुसलू खान। अभी बताया है कि जौना खान इसका नाम था और इसी के नाम पर शहर बसा है, जौनपुर शहर। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग केम टू द सीख परमिशन टू रिवील्ड बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज इन द हिमालयज रेन विच वॉज डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग कराची एक्सपीडिशन? गियासुद्दीन तुगलक, इसमें से कौन से हैं जिसने परमिशन दिया था बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज को फिर से बनाने में इन द हिमालय, जो हिमालय के समय पर कराची एक्सपीडिशन में खत्म हो गया था, समाप्त हो गया था, उसको फिर से बनवाने की इजाजत किसने दी थी? तो पता है कि उसने जो ये कराची अभियान किया था किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो उसके बाद कौन राजा बनेगा? फिरोज शाह तुगलक, तो उसी ने बनवाया था। और फिरोज शाह तुगलक को जो है स्थापत्य कला या किसी भी चीज़ या किसी भी जो है चीज़ को सुरक्षित रखने का बड़ा शौक था, सुरक्षित रखता था चीज़ों को, उनको संभालता था, जो मॉन्यूमेंट्स होते थे उनको बचा के रखता था हमेशा। विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान ऑफ द दिल्ली सल्तनत सेंट इब्न बतूता टू द कोर्ट ऑफ चाइनीज एम्परर इन 1347? 1347 में किसने इब्न बतूता को चाइना भेजा था? इसका आंसर सबको पता है, आई नो, मोहम्मद बिन तुगलक, क्योंकि इसी शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था। नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर रिलेटेड टू मोहम्मद बिन तुगलक। पहला, इस्टैब्लिश्ड ऑफ दीवाने खैरात डिपार्टमेंट फॉर पुअर एंड नीडी पीपल एंड दीवाने बंदगान डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव्स। ही डाइड इन थट्टा वाइल कैंपेनिंग ऑफ सिंध अगेंस्ट कागी एंड टर्क स्लेव। विच इज करेक्ट? सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, ओनली ए, ओनली टू, ओनली वन एंड टू एंड थ्री। 30 सेकेंड है आपके पास। आई होप आप लोगों ने आंसर सोच लिया होगा। तो ओनली वन इज करेक्ट एंड टू इज इनकरेक्ट। सेकेंड इज, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर रिलेटेड टू फिरोज शाह तुगलक। तो इस्टैब्लिश्ड ऑफ दीवाने खैरात डिपार्टमेंट ऑफ पुअर ऑफ नीडी पीपल एंड दीवाने बंदगान डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव। इस्टैब्लिश्ड ऑफ द फोर न्यू टाउन्स फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर और हिसार। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग कर सकते हो। अच्छा, इसके पहले वाला थोड़ा सा क्वेश्चन गलत हो गया, उसको ध्यान से एक बार फिर से कर लेते हैं। ये वाला किसका आंसर मैंने बताया था, इसमें कौन सा, इसमें दोनों, नीदर वन और नीदर टू दोनों सही नहीं है। किस पे थे अभी हम लोग? अब सिक्स पे।
इसमें देखिए जो फिरोजाबाद है, फिरोजाबाद है, फतेहाबाद है, हिसार है, जौनपुर, ये सब ने इसको फिरोज शाह तुगलक ने ही बनाया है। और दीवाने बंदगान ये भी डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव्स के लिए और डिपार्टमेंट फॉर पुअर और नीडी के लिए दीवाने खैरात ये इसने बनाया। तो बोथ 1 एंड 2 सही है। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत मेक इक्तादारी हेरिडिटरी। देखिए इक्तादारी सिस्टम शुरुआत करी थी इल्तुतमिश ने, इल्तुतमिश ने, और उसके बाद इसको हेरिडिटरी किसने बना दी? गियासुद्दीन तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने या गियासुद्दीन तुगलक ने? फिरोज शाह तुगलक ने। नेम द सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत हु इस्टैब्लिश्ड फोर न्यू टाउन्स, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर एंड हिसार। रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आप लोग पता है फिरोज शाह तुगलक थे वो। हु ट्रांसलेटेड 300 वॉल्यूम्स ऑफ संस्कृत बुक्स ऑफ ज्वालामुखी टेम्पल इंटू पर्सियन अंडर द टाइटल ऑफ दलाई फिरोज शाही? ओ, इसके आंसर तो पहले से लिखे हुए हैं। चलिए इसके आंसर तो लिखे हुए हैं, अजुद खालिद। 10वां 10 क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग सेटअप इंडिपेंडेंट मुस्लिम किंगडम ऑफ मदुरा? तो इसका भी आंसर जलालुद्दीन असन शाह है। तो चलिए आगे बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आएंगे हम। आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं, और जितना बताया उसको पढ़िए, भी थोड़ा बहुत चीजें हैं जब फिरोज शाह तुगलक बताएंगे उस समय भी फैक्ट बताएंगे। तो आज के लिए इतना बहुत है, मिलते हैं फिर कल से। प्रॉब्लम आई वो मैसेज कर दीजिएगा, मैं उस प्रॉब्लम को बाद में सॉल्व कर दूंगी। आई होप यू लाइक द सेशन। अगर लाइक करा है तो कमेंट शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। चलिए तब तक सब लोग हैप्पी दिवाली, एंड मिलते हैं फिर हम लोग जल्दी। तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, सुरक्षित दिवाली सेलिब्रेट करिए। ओके, फिर हम लोग जल्दी मिलते हैं। और दूसरा, अगर कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को आता है, ऐसा नहीं कि मोहम्मद बिन तुगलक से, जो भी हम टॉपिक बना रहे हैं जिससे भी, लाइक अगर हमने जैसे यहाँ पर देखा है कि एक मिनट, जैसे ये चीज देखिए, तो पहले ये चीजें जो छोटी मोटी चीजें हैं वो याद रखिए कि तुगलक डायनेस्टी के बारे में पहले, कि उसके फाउंडर कौन थे, फिर मोहम्मद बिन तुगलक आया, उसको पागल क्यों कहते हैं, उसके समय पर शासन काल में भारत कौन आया, उसकी क्या क्या नीतियां थी, और उसने कौन कौन से शहर बसाए, जो कि फिरोज शाह तुगलक बहुत इंपॉर्टेंट है इस वंश में। एक दिन फिरोज शाह तुगलक करेंगे हम लोग, और क्वेश्चन आंसर्स पूरा मैं 100 क्वेश्चन तैयार कर रही हूँ मिडवल के लिए, तो वहां भी पढ़ेंगे। दूसरा, आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि लास्ट किंग की हत्या करके किसने जो है एस्टैब्लिश करी, नेक्स्ट कौन सा डायनेस्टी आई। और दूसरा, कि जैसे बहुत सारे लोगों का अटैक हुआ, नासिरुद्दीन का, तैमूरों का, चंगेज खान का, और किसके किसके समय पर मंगोल आक्रमण हुए ज्यादा, ये सारी चीजें आप लोगों को बहुत जरूरी है याद करना, ठीक है। और चीजें सीक्वेंस में याद रखिए, ऐसा नहीं कि पहले तुगलक, हमेशा पहले गुलाम आया, फिर खिलजी आया, फिर तुगलक आए, फिर सैयद आए, फिर लोदी आए, और गुलाम में इतने राजा थे, तुगलक में इतने राजा थे, सैयद में इतने राजा थे, और लोदी में इतने थे, उसके बाद लोदियों में किसने उनकी हत्या करी। ये सब चीजें डीपली पढ़िए, क्योंकि यूजीसी नेट बहुत डीपली पूछता है, कहाँ से क्वेश्चन पूछ लेगा किसी को पता नहीं, ठीक है। तो आप लोग समझदार हैं, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अपकमिंग एग्जाम कभी भी हो सकता है, कंडक्ट हो सकता है, कभी हो सकता है दिसंबर में ही कंडक्ट हो जाए, अभी 9 तारीख को एग्जाम हुआ ही है, तो बहुत इजी पेपर था वो, इतना इजी वैसे अक्सर पूछता नहीं है नेट, लेकिन अगर इजी था तो मेरिट भी बहुत हाई जाएगी। तो अभी अपकमिंग एग्जाम की तैयारी करिए घर पे बैठ के, और खुद के नोट्स, मैं हमेशा कहती हूँ खुद के नोट्स बनाइए, जो ज्यादा समझ में आता है उतने नोट्स समझ में आते हैं, और कोई भी प्रॉब्लम हो नोट्स में या लेक्चर में या कुछ कंफ्यूजिंग लग रहा हो तो उसको कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। कोई भी दिक्कत नहीं, किसी भी टाइम पर मैसेज कर सकते हैं आप, ऐसा नहीं दिवाली का टाइम है या कोई क्या है, किसी भी टाइम पीरियड पर आई विल बी देयर फॉर यू, ठीक है। और दूसरा चीज, एक और चीज बताना चाहूंगी कि क्वेश्चन आंसर जितने हो सके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करिए, बहुत सारे क्वेश्चन आंसर सॉल्व करिए, ठीक है। दूसरा, आई थिंक कुछ क्वेश्चन हमारे इसमें तो और थे शायद, एक बार देख लेती हूँ मैं, बट आई थिंक उसके आंसर भी मैंने उसमें लिखे हुए हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन रह गए हैं, 22, हाँ 22 क्वेश्चन थे, वो भी कर ही लेते हैं, तो टाइम होगा आप लोगों के पास, रिकॉर्डेड वीडियो हो कभी भी देखते रहिएगा, ये क्वेश्चन भी कर लेते हैं हम लोग फिर।
छोड़ना इतना क्वेश्चन, हो सकता है कभी आपके लिए हेल्पफुल हो जाए। ठीक है, फटाफट आंसर देते मैं चल रही हूँ। द रियल नेम ऑफ गियासुद्दीन तुगलक वॉज गाजी मलिक। जो गियासुद्दीन तुगलक फाउंडर था तुगलक वंश का, उसका वास्तविक नाम गाजी मलिक था। वाइजेस्ट फूल वॉज नोन एज तुगलक किंग। मोहम्मद बिन तुगलक को वाइजेस्ट फूलिश पुलिस सुल्तान कहा जाता था। हिंदी में पढ़ा लिखा मूर्ख मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता था। नेक्स्ट, विच पर्सन डिस्क्राइब मोहम्मद बिन तुगलक एज इल स्टैटर्ड इडियलिस्ट। किसने कहा था? इब्न बतूता, मलिक काफूर, नादिर शाह, फाइयान। तो इब्न बतूता ने इसे कहा था। तुगलकाबाद फोर्ट बिल्ड बाई विच तुगलक रूलर। तुगलकाबाद शहर किसने बसाया था? गियासुद्दीन तुगलक ने, या मोहम्मद बिन तुगलक ने, या फिरोज शाह तुगलक ने? तो अभी कुछ देर पहले ही मैंने बताया था तुगलकाबाद शहर किसने बसाया था। तो वन सेकेंड बेटा, कहीं जाना मत, मैं 1 मिनट में आ रही हूँ वापस। चलिए, आई थिंक कोई था, सॉरी फॉर इसमें मुझे थोड़ा टाइम लग गया, 2 सेकंड लगा, वैसे ज्यादा टाइम नहीं लगा। कहाँ पर थे? हाँ, तुगलकाबाद फोर्ट किसने बनवाया? तो तुगलकता, अगर मैं कहूँ तुगलकाबाद शहर किसने बसाया, तुगलकाबाद शहर आप लोगों को पता है गियासुद्दीन तुगलक ने बनाया था, तो उसका फोर्ट भी किसने बनाया होगा? गियासुद्दीन तुगलक ने। म्यूजिक सिस्टम बैंड बाय तुगलक सुल्तान। गियासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, बलबन, अबू बकर शाह। इस पागल ने ही म्यूजिक सिस्टम को बैन कर दिया था गियासुद्दीन तुगलक ने। द लास्ट रूलर ऑफ तुगलक डायनेस्टी। तो नैसरुद्दीन महमूद तुगलक, इसी के समय पर तैमूर का आक्रमण हुआ था, जिसके वजह से ये इसको मारा जाता है और सैयद वंश की स्थापना हो जाती है। नेक्स्ट है, हु इशूड अ टोकन करेंसी इन कॉपर कॉइंस बिटवीन 1329 से 1330 में किसने कॉपर कॉइंस चलाए? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने, जो पूरी तरीके से विफल रहा। हु वॉज द डेली सुल्तान सुल्तान टू इम्पोज जजिया इन ब्राह्मण। ब्राह्मण पर भी जजिया कर किसने इम्पोज किया था? अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, या मोहम्मद बिन तुगलक? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। विच एम्परर शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद? यही पागल मोहम्मद बिन तुगलक। प्रेजेंटली दौलताबाद वर मोहम्मद बिन तुगलक हैड ट्रांसफर्ड द कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू सिचुएटेड नियर मैसूर, निजामाबाद, औरंगाबाद या भोपाल। तो आज ये जो दौलताबाद है, अभी प्रेजेंट टाइम पे कहाँ सिचुएटेड है? तो औरंगाबाद में सिचुएटेड है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान ऑफ तुगलक डायनेस्टी इशूड कॉपर कॉइंस इंस्टेड सिल्वर कॉइंस। सिल्वर कॉइंस, सिल्वर की जगह पर किसने कॉपर कॉइंस चलाए? तो यही मोहम्मद बिन तुगलक। वेयर डिड द ट्रेवलर इब्न बतूता केम फ्रॉम? इब्न बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को से आया था। दैट्स इट, ठीक है, इतना ही था आज का सेशन। बाकी कोई भी प्रॉब्लम होगी, रिकॉर्डेड वीडियोज आपको मिलेंगी ये 15 को। ये कोई भी प्रॉब्लम आए तो 17 को लाइव मिलूंगी मैं, वहां आप लोग पूछ सकते हैं। ओके, अब तक के लिए टाटा, फिर जल्दी मिलेंगे। ठीक है, हैप्पी हैप्पी दिवाली एवरीवन, बाय बाय। और लेकिन हाँ, हैप्पी दिवाली तो है, लेकिन घर पे अच्छे से सेलिब्रेट करना। ये नहीं कि जो सैनिटाइजर हाथ में लगा लिया और कूद पड़े आग में, बिल्कुल नहीं। जो सैनिटाइजर बहुत खतरनाक चीज है, तो अपने बच्चों पे, जो बच्चे हैं छोटे छोटे, उनके घर पे ध्यान रखना कि उनके हाथ में सैनिटाइजर ना लगा हो, अगर पटाखे छुड़ा रहे हैं, नहीं मानते बच्चे, तो ये सब चीजों का आप लोग बड़े लोग ध्यान रखना। और आप लोग भी सुरक्षित दिवाली मनाना, दिए जलाओ, घी तेल के दिए जलाओ, और कुम्हारों, जो छोटे मोटे कुम्हार होते हैं, उनसे दिए जला लेना, या नहीं कि बड़े बड़े शॉप पे चले जाओ, उनसे दिए खरीदो, गरीबों से दिए खरीदो।
और अच्छी दिवाली सेलिब्रेट करो। और अनअकैडमी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लें, वहाँ पर और सारी वीडियोस आप लोगों को मिल जाएंगी। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग बेहिचक किसी भी टाइम पे आप लोग मैसेज कर सकते हो, और 17 को लाइव चैट कर सकते हैं। हम लोग पूछ लेंगे डाउट्स, इसमें ये चीज़ नहीं समझ में आई, जो समझ में नहीं आया होगा हम लोग वहाँ पर उसको डिस्कस कर लेंगे, राइट। तो चलिए ठीक है, तब तक घर पे रहिए सब लोग, अच्छे से मौज करिए, मस्ती करिए। हैप्पी दिवाली।